सो हेलो गाइस, व्हाट इज अप, दिस इज मी रुद्रटेक, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फ्लिपकार्ट के रिवील कैलेंडर के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर जो कि अपकमिंग स्मार्टफोन लॉन्चेस होने वाले और उनके प्राइजेस भी निकलने वाले, सो आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक, नहीं आए तो डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा। सो आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, सो लेट्स गो। सो गाइस, यहाँ पर जो कि सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कि 21 सितंबर, जो कि कल या मेरा आज जो कि मेरा वीडियो आएगा, ठीक है, आज जो कि मेरा वीडियो आने वाला 21 सितंबर को फर्स्ट मोटरोला की तरफ से रिवील होने वाला है। यहाँ पर मुझे जो कि देख के लग रहा है, यहाँ पर जो कि हो सकता है मोटरोला G100। व्हाई आई एम टेल यू, यहाँ पर जो कि कैमरा के डिजाइन यहाँ पर जो कि मुझे यहाँ पर दिखा जा रहा है, वो लग रहा है कि मोटरोला G100 हो सकता है। आई डोंट नो क्या होगा। और जो कि 22 सितंबर को यहाँ पर जो कि आ जाता है आपका माइक्रोमैक्स के तरफ से, जो कि एक नया फोन हो सकता है इन नाम का है, लेकिन यहाँ पर नहीं कुछ लिखा है नाम क्या होगा कि नहीं होगा, जैसे मोटरोला की तरह। हाँ, यहाँ पर जो कि मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि ये बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन हो, ठीक है। और हम लोग जो कि 23 सितंबर के आ जाते हैं यहाँ पर जो कि इन्फिनिक्स भाई यहाँ पर नए फोन लाने वाले हैं, यहाँ पर जो कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पर जो कि नेक्स्ट जो कि है ओप्पो रिवील करने वाला है अपने स्मार्टफोन्स को, ठीक है। ओप्पो भी 24 सितंबर को रिवील करने वाला है अपना स्मार्टफोन, ठीक है। यहाँ पर जो कि बिग बिलियन लॉन्च में नार्जो 50 सीरीज आने वाला है यहाँ पर जो कि 24 को ही, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो कि 25 सितंबर को जो कि वीवो की तरफ से आने वाला है। अब यहाँ पर जो कि पता नहीं क्या होगा, यहाँ पर कुछ नहीं पता वीवो की तरफ से क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, आई डोंट नो क्या कैसा फोन होने वाला है। और मैं ज्यादा वीवो का फोन के बारे में कुछ नहीं जानता, सिर्फ एक ही फोन यूज किया वीवो का, और वो भी मैंने मेरा पहला फोन था जो कि स्मार्टफोन, फिर उसको मैंने ज्यादा दिन नहीं यूज किया, देन मैं मोटरोला G5 में शिफ्ट कर गया। अब हम लोग बात कर लेते जो कि बजट फोन कहते हैं, जो कि जियो, लावा, इंटेल, जो कि ये सब कंपनियां हैं। अब बात कर लेते 27 सितंबर, यहाँ पर जो कि एप्पल आईफोन 13 और 13 प्रो, 13 प्रो मैक्स और मिनी, इन सबको आप देख सकते हैं इन 27 सितंबर को, ठीक है। और बाय द वे, इसमें बिग लॉन्च डेट ऑफ द डे ओप्पो भी है इसके साथ, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो कि 28 सितंबर को रियलमी भी अपना जो कि रिवील करने वाला है। बात कर लेते हैं रियलमी का, रियलमी इज द बेस्ट कंपनी, मैं यहाँ पर कोई भी ऐसा मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, ये बहुत ही बढ़िया कंपनी है मेरे हिसाब से। अगर आपको लेना है फोन रियलमी का भी आप देख सकते हैं, आँख बंद करके आप ले सकते हैं, क्योंकि रियलमी इज द बेस्ट कंपनी, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, बहुत ज्यादा एड्स चलते हैं। और चाहे तो आप वीवो ओप्पो का भी ले सकते हैं, या तो मोटरोला का भी, या फिर इन्फिनिक्स का भी ले सकते हो, मैं इन सभी का ही नाम ले लिया, कोई मत समझना कि मैं इन सभी को मैं पसंद नहीं करता, मैं सब कंपनी को पसंद करता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे कंपनी है जिनको मैं पसंद नहीं करता। अब बात कर लेते जो कि 29 सितंबर जो कि है आपका सैमसंग के तरफ से लॉन्च भी होगा, रिवील भी होगा। अब नहीं जानता क्या होने वाला है, मैं यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, हो सकते ए या ए सीरीज में से या तो एम सीरीज से आ सकते कोई नया स्मार्टफोन, यहाँ पर मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ, या तो एफ सीरीज से भी आ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं कोई गारंटी नहीं लेने वाला। अब जो कि हम लोग बात कर लेते हैं जो कि 30 सितंबर को दोनों कंपनी अपने जो कि लॉन्च करने वाली है, एक तो जो कि पोको के बारे में हम लोग, क्या इज द बेस्ट कंपनी, मैं भी ये भी कहूंगा ये भी बेस्ट कंपनी है इसके, जो कि पोको F1 ने तो तहलका मचा दिया था। अब देखते हैं कौन सा फोन लॉन्च करने वाले हैं ये लोग, आई डोंट नो कौन सा फोन लॉन्च करने वाले, पता लग जाता तो मैं अभी बता देता, ठीक है, उतना ज्यादा मुझे नहीं पता है, मैं आप लोगों को कह दे रहा हूँ क्या क्या लॉन्च होने वाला है, ठीक है, और जो कि ये रिवील करने वाले, ठीक है। और जो कि बिग लॉन्च भी होने वाला है जो कि 30 सितंबर को वीवो और पोको, नॉट ओपो, ओके, यहाँ पे वीवो और पोको लॉन्च करने वाले हैं फोन, ठीक है। अब बात कर देते हैं कि बिग रिवील जो कि रिवील करने वाला है नार्जो, अभी नार्जो है ये रियलमी का ही कंपनी है, ठीक है, नार्जो, ठीक है, और ना यहाँ लोग ये रिवील करने वाले हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अब उसके बाद एक और कंपनी है, ध्यान से सुनिए, मोटरोला, यहाँ पर जो कि मोटरोला हो सकता है अपना जो कि नया टैब लॉन्च कर सकता है, जो कि नया टैब होने वाला है,
ये जो कि जी सीरीज का ही टैप हो सकता है या तो किसी और सीरीज के नाम से इसको रन करने वाला मोटरोला। यहाँ पर मैं कह तो कि ये लेनोवो का रिवेज वर्जन होने वाला है टैप का। यहाँ पर अब ना यहाँ पर ना एक ट्विस्ट देखिए, कि 1 अक्टूबर को ये दोनों, अब मैं खत्म कर देता हूँ, जो कि मोटरोला नार्जो लॉन्च करने वाला है 1 अक्टूबर को, ठीक है। अब बात कर लेते इसके अंदर मुझे क्या ऐसा क्या दिख गया कि मैं यहाँ पर, मैं आप लोगों को क्या बोलना क्या चाहता हूँ मैं आपको बोल दूँ। दोस्तों दोस्तों यहाँ पर क्या आप लोगों ने देखा कि 1 अक्टूबर को फोन लॉन्चेस हो रहे हैं, कुछ समझ पाए आप लोग? उसके बाद वाले दिन क्या होगा? समझ गए हो तो एक लाइक तो बनता है। मैं बता देता हूँ, फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे शुरू हो सकता है, आई थिंक शुरू हो सकता है तब, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि शुरू होगा तो मैंने जो कि करेक्ट डेट बताया था आप लोगों को, वही होने वाला है मेरे हिसाब से। हो सकता है, मेरे हिसाब से मैं कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ये लोग चाहे तो आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दिया हूँ, आगे तो नहीं करने वाले, बाकी पीछे करना चाहे तो कर सकती है। अब बात कर लेते हैं कि इनमें से कौन कौन क्या क्या फोन लॉन्च होने वाले। दोस्तों यहाँ पर ना जो कि मोटरोला के जो कि अगर आप देखेंगे तो जो कि एक ना आपको वहां पर जो कि नए प्रोडक्ट्स में से मोटरोला का जो कि एक नया टीवी भी लॉन्च होने वाला है, और एक हो सकता है नया स्मार्टफोन आ रहा है, ठीक है, जो कि मोटरोला का G100 आ रहा है। मैंने जो कि आपको बताया था, क्योंकि कैमरा का शेप जैसा था, वॉलपेपर है वो, तो मुझे G100 का याद दिला रहा है, ठीक है। G100 आ सकता है, और एक जो कि मेन मोटरोला का टैब आने वाला है। अब इस टैबलेट में क्या खास है? ये लेनोवो का एक रिवेज वर्जन है। यहाँ पर अगर मैं रिवेज का आपको बहुत अच्छे से सिंपल बता देता हूँ, जो कि मारुति का जो कि है, मारुति सुजुकी ऑटोमोबाइल ब्रांड है, ठीक है, मारुति सुजुकी, वो लोगों का बलेनो जो कि कार है, बलेनो जो कि प्रीमियम हैचबैक, उसको ही जो कि टोयोटा जो कि रिवेज वर्जन करके जो कि उसका जो कि नाम दे के ग्लैंजा, वैसे ही यहाँ पर भी चल रहा है। लेकिन फर्क ये है कि मोटरोला लेनोवो दोनों एक ही कंपनी है। लेनोवो चला रहा है मोटरोला को, ठीक है, और जो कि मारुति है और जो कि टोयोटा है, ये दोनों अलग कंपनी है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब करके जाना, ऑल्सो करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलता हूँ सभी को नेक्स्ट वीडियो की, टिल देन बाय बाय।